बकवास है भाई, बकवास है। गॉडिश ژٕ ہیٚککھ نہٕ ییٚتہِ ییٚمہِ جایہِ بَغٲر کُنہِ جایہِ ٹیٚنٹے لٲگِتھ، یہِ چھا ٹھوٗکِتھ؟ مےٚ چھُ کِراے پٮ۪ٹھٕے رَٹُن۔ اَسَلامُ علیکُم، جَس کیمپَر مےٚ اِک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ اگست مہینے کا ویڈیو ہے، کسی وجہ سے ہم ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر پائے تھے، تو آج ہم نے سوچا کہ نہیں جی یہ ویڈیو اپلوڈ ہونی چاہیے، کیونکہ گریز کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ گریز کتنی خوبصورت جگہ ہے، तो हमने भी सोचा कि नहीं भाई गुरेज का वीडियो आपको दिखाना ही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरेज पहले जैसा नहीं रहा है, अब गुरेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। गुरेज के रोड्स बहुत बढ़िया हैं अब, पहले ज़माने में 4 या 5 घंटे लगते थे गुरेज जाने में, आज 2-2.5 घंटे में गुरेज का जो सफ़र है ना वो कम्प्लीट हो जाता है। और गुरेज की जो रास्ते में जो ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी ना, जितनी खूबसूरती रास्ते में मिलती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, त्रागबल का है, त्रागबल इतना खूबसूरत एरिया है, त्रागबल के आगे पीर बाबा है, राजदान टॉप है, और उसके नीचे जब आप जितनी भी जगह हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो चाय की छोटी छोटी टपरियां आपको बीच में मिलती हैं, वहाँ चाय पीने का या कुछ भी खाने का जो भी आप वहाँ पे मिलता है ना, उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। देख रहे हो ये हम पीर बाबा पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस थोड़ी दूर है। तो पीर बाबा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। पीर बाबा जो है एक्चुअली पाकिस्तान से आए थे, ये वहाँ पे हिस्ट्री लिखी है इनकी, तो अगर आप पीर बाबा जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनकी हिस्ट्री जो है। और जो आप ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुई है पीर बाबा वहाँ पर, तो वो सारी इंडियन आर्मी की तरफ से है। पहले ज़माने में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, अब बहुत सारी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, बाथरूम्स हैं, जितने भी टूरिस्ट बाहर के हों या लोकल हों वो आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ रुकते हैं अगर वो उनको गुरेज जाना होता है, वहाँ पे आगे रुकते हैं, चाय शाय पीते हैं, तो फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो जी हम अभी पीर बाबा से निकल रहे हैं, तो अभी हमें राजदान टॉप की तरफ जाना है। तो आप राजदान टॉप की खूबसूरती तो देख ही रहे होंगे कि कितने खूबसूरत साइड के व्यूज हैं। ये जो आप शोर सुन रहे हो ना, ये रोड पे बिछी टाइलों की वजह से हो रहा है। मेक श्योर कि आपकी गाड़ी का सस्पेंशन बढ़िया हो, क्योंकि ये जो शेक हो रही है ना गाड़ी, इससे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर आप इस एरिया में गाड़ी की वजह से रुक जाते हो तो आपका निकलना बहुत मुश्किल है। फिर राजदान पास जो है वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के हिमालय में 3,556 मीटर ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। ये शिमाल में वादी गुरेज को जनूब में वादी कश्मीर से जोड़ता है और ज़िला बांडीपुरा में वाक़ है। आपको ये भी बताता चलूँ कि शदीद बर्फबारी की वजह से सर्दियों के दौरान 3 से 4 माह से ज़्यादा तक ये पास गाड़ी की आमद रफ्त के लिए बंद रहता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि विंटर्स में राजदान पे कितनी बर्फबारी होती होगी। हमारे शाम हमारे ठीक ठीक है जान बन रहा है चुका चुका ना दोस्ती हो ना इसी तरह लगना है यार। अभी जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना, ये जो ये गुरेज की सबसे बड़ी कैंप साइट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में नाले के उस तरफ हम रहने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। फाइनली हमने जगह देख ली है, ना चाहते हुए भी हमें यहाँ टेंट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह है ही नहीं जहाँ हम अपना पर्सनल टेंट लगा सकते हैं। बकवास है भाई, बकवास है। गॉडिश प्रॉब्लम ये भी जाए बगैर कुछ जाए टेंटे लगे, यह ठूकित मे किराय पे रटू सोच लायक कह मे पुन टेंट मैं क्यों रहूँ किराए के टेंट में। और खुदा से नेक बंद इन पक नमाज यप शराब बोतल बकर क्या कर
एक और बात यहाँ पे पता चली है कि यहाँ पे ना रात को बालू ब्राउन बियर हाल चाल पूछने आ जाता है, तो देखते हैं अगर आज भी आया तो कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। सडनली बाहर से आवाज़ें आने लगी कि हा पुता हा पुता हो हा पुता हो हा पुता हो, और हम भी बाहर आ गए ये देखने के लिए सच में बालू आया है कि नहीं। बाहर आके जब हमने देख लिया सच में बालू है तो हमें यकीन हो गया कि हाँ जी रात को बालू यहाँ हालचाल पूछने आ जाता है। दूसरे दिन की सुबह हमने डिसाइड किया कि हम हबक होतन स्प्रिंग पे जाएंगे, वो दिखाएंगे आपको, तो चलते हैं जी, आप वीडियो में बने रहें। फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं, घर तो नहीं जाना है, कहीं और जाना है, लेकिन आपको अभी नहीं बताएंगे, आगे चल के आपको पता लगेगा, तो चलते हैं, मिलते हैं आगे आपसे। हम पहुँचे हैं डैम साइड के पास। ये जो आप अपोजिट साइड से देख रहे हो ना, ये पुराना रोड है, प्रोजेक्ट बनने से पहले रोड वहीं से जाती थी गुरेज तक, तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पे स्टे करने वाले हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं रिवील करने वाला हूँ कि हम कहाँ स्टे करेंगे। हम एक्चुअली त्रागबल में स्टे करने वाले हैं, लेकिन अगर आप भी सोच रहे हो कि त्रागबल में स्टे करेंगे कभी, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन के बगैर आप त्रागबल में स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी का एरिया है, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं इनके, तो इसलिए आपको वहाँ पे त्रागबल कैंप पे जाके उनसे परमिशन लेना है। परमिशन के बगैर आप त्रागबल में स्टे नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम त्रागबल में नाइट स्टे करेंगे, तो आपको परमिशन किसी भी सूरत में लेनी है। अगर आपको परमिशन नहीं मिलेगा तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा। हम 14 अगस्त की रात को पहुंचे थे त्रागबल, तो अगर गुरेज से निकलते टाइम हमें ये याद होता कि 14 अगस्त की रात है,
तो हम शायद त्रागवल में स्टे करने का सोचते भी नहीं, क्योंकि 14-15 को इनका जो इनके जो सिक्योरिटी का होता है वो ज़्यादा सख्त होता है। लेकिन हमें याद ही नहीं था कि 14 अगस्त है, फिर भी हम पहुंच गए वहां पे। तो थैंक्स उन ऑफिसर्स को जिन्होंने हमें परमिशन दी 14 अगस्त को भी। तो हम 15 को सुबह निकले, 15 अगस्त की मॉर्निंग में हम सुबह वहाँ से निकले और घर की तरफ रवाना हुए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्राइब करने से हमें नई वीडियो बनाने की वजह मिल जाती है। लाइक शेयर भी कर लीजिएगा तो उससे आपका प्यार हमें दिखता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।